हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस एंड बी प्लाज्मोलाइसिस। चलिए देखते हैं, प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, जैसे कि नाम बता रहा है, प्लाज्मो यानी कि समथिंग रिलेटेड टू प्रोटोप्लास्ट, लाइसिस का मतलब ब्रेक हो जाना, पर यहाँ पे प्रॉपरली ब्रेक नहीं होगा, वो श्रिंकेज होगा। देखिए बच्चों, प्लाज्मोलाइसिस एक फिनोमिना है। इट इज अ फिनोमिना इन विच, या हम ऐसे इसको डिफाइन करें, व्हेन अ प्लांट सेल इज कैप्ट इन अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपरटॉनिक, अगर पूछा जाए हाइपरटॉनिक मतलब सॉल्यूट मोर, इन अ हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन द प्रोटोप्लास्ट श्रिंक्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। देखिए क्या होता है, प्लांट सेल है, उसके अंदर में ये प्लांट सेल का सेल मेम्ब्रेन मान लो चलो, और ये हमने देखा इसके बाहर की साइड में ये जो है ये सेल वॉल हो गई। दिस इज व्हाट सेल वॉल, ये सेल वॉल हो गई, ठीक है। ये प्लांट की सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गई अंदर, और ये चलो न्यूक्लियस साइड में होती है, ये न्यूक्लियस हो गई अंदर, और इसके अलावा ये प्रोटोप्लास्ट हो गया। जब प्लांट सेल को हम हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखा, जिसमें कि सेल को रखते ही सेल क्या हो जाती है, श्रिंक, जो हमने देखा था हाइपर आर से, और श्रिंक में भी आर आता है, तो क्रॉस मैच हमने किया था, तो सेल श्रिंक हो जाती है। तो उसी फिनोमिना को हमने यहां पे काम में लिया। अगर हम इस प्लांट सेल को एक हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइपरटॉनिक में क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस से क्या होगा, जितना भी इसके सेल के अंदर वाटर है वो बाहर निकलेगा। जब वाटर बाहर निकलना शुरू करेगा तो एक्चुअली वाटर पूरा बाहर नहीं निकल सकता, ओके, क्योंकि यहां पर क्या है, सेल वॉल है, और सेल वॉल क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, तो वाटर को बाहर निकलने नहीं देगी, तो वाटर बाहर नहीं निकलेगा। और लेकिन जो सेल है उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो पूरा श्रिंक हो जाता है, वो पूरा क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, और इस फिनोमिना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। जब इसी सेल को, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वापस वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, और उस फिनोमिना को हम डी प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं हमारा टॉपिक न्यूक्लियस।